नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। खुर्जा नगर के मुख्य चौराहा जेवर अड्डे पर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने हरियाणा के किसानों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा सरकार का पुतला फूंका और हरियाणा सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। किसान हक की मांग के लिए पिपली जा रहे थे, उसके साथ जो अमानीकृत किया गया वह निर्दनीय है। किसानों ने 17 तारीख को महापंचायत करने का भी ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव अरब सिंह ने बताया, पूर्व क्षेत्र की पिपली में आयोजित होने वाले महारैली में शामिल होने जा रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। केंद्र सरकार द्वारा कृषि पर आधारित 3 अध्यादेशों को लागू करने के बाद आढ़तियों और मजदूरों किसानों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीसी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम चौधरी अरब सिंह। अरब सिंह, आज जो आपने हरियाणा सरकार का पुतला फूंका है, क्या आपकी मांग है? ये हरियाणा के एक जिला है कुरुक्षेत्र के पीपली गाँव में किसान अपना हक मांगने के लिए जा रहे थे। हरियाणा की पुलिस ने उन पर इतनी लाठीचार्ज करी, किसी का सर फोड़ दिया है, किसी की टांग तोड़ दी है। अब वो अपना हक नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? इस घटना को लेकर हरियाणा सरकार का पुतला दहन किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है कि जो किसानों का हक है उन्हें दिलवा दिया जाए, नहीं तो संपूर्ण देश में भारतीय किसानों द्वारा हर मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और जो ये घटना किसानों के प्रति हो रही है, ये निंदनीय है, इसका भारतीय किसान घोर विरोध करती है। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे आप? 17 तारीख, जो 17 तारीख आ रही है अभी बृहस्पति के दिन, जिले की ओर से ये आह्वान है कि जिला जो तहसील खुर्जा की है, यहाँ से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी, महापंचायत होगी। आज खुर्जा जेवर अड्डे पर आपने पुतला फूंका, क्या मामला है पूरा? हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र है एरिया के पिपली गांव में जो हमारे किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे, उन पर हरियाणा सरकार ने बहुत निंदनीय घटना घटी है। उनको मारा, पीटा, सिर फोड़ दिए और हड्डी टूट गई। उसमें हमने हरियाणा सरकार का ये पुतला फूंका है। और जो मुजफ्फरनगर में पीपली, मुजफ्फरनगर में तेतावली गांव में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता हुई है और वहां पर हमारी वो बैठी है, उसके चक्कर में अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? महापंचायत करेंगे आंदोलन। 17 तारीख को महापंचायत का ऐलान हो गया है, हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। 17 तारीख को तहसील स्तर से पूरे जिले में हर तहसील पर जाकर 17 तारीख को हम खुर्जा करेंगे और बाकी सब तहसीलों पर करेंगे, फिर जिले पर करेंगे।